नमस्कार। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसी की याद में हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन है याद करने का उन शहीदों को और अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का जिन्होंने हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त किया। यह दिन समर्पित है उन्हें जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। इस युद्ध में हमारे लगभग 527 से अधिक वीर योद्धा शहीद हुए थे और 1300 से अधिक घायल हुए थे। इनमें से कई ऐसे थे मित्रों जिन्होंने अपने जीवन के 30 वसंत तक नहीं देखे थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना के शौर्य व बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध हर भारतीय सैनिक तिरंगे के समक्ष खाता है। इन शहीदों ने भी अपने परिजनों से घर लौटने का वादा किया था। इन्होंने भी अपने प्रियजनों से कहा था कि ये लौट के ज़रूर आएंगे। ये आए, इन्होंने इस वादे का निर्वाह भी किया, मगर इनके आने का अंदाज कुछ निराला था। वे लौटे मगर लकड़ी के ताबूत में, उस तिरंगे में जिसकी रक्षा की सौगंध इन्होंने खाई थी। वह तिरंगा जिसके समक्ष इनका माथा कभी सम्मान से झुका था, वही तिरंगा इन जाबाजों के, इन बलिदानियों के गौरव की गाथा का इनसे लिपट कर बखान कर रहा था। भारत ने कारगिल युद्ध में शहीद 4 जवानों को देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया, जिसमें से ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन अनुज नैयर, मेजर राजेश सिंह अधिकारी को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उसी के साथ कैप्टन हनीफुद्दीन, मेजर मरियप्पन सर्वनन, स्क्वाडन लीडर अजय कुमार शुक्ला को मरणोपरांत वीर चक्र से नवाजा गया। इसी के साथ हवलदार चुन्नी लाल को भी वीर चक्र दिया गया। उन्हें उनकी बहादुरी और बहादुरी के लिए सैन्य सम्मान के साथ साथ ही मरणोपरांत नायब सूबेदार के तौर पर अशोक चक्र प्रदान किया गया। इसी में इन सभी वीर जवानों को, इन सभी शहीद जवानों को याद करते हुए, इनकी बहादुरी पर नाश करते हुए अपने सच्चे श्रद्धा सुमन अर्पण करती हूँ। और आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कोई भी शहीद सैनिक की फैमिली या परिवार दिखाई दे तो उन्हें आज के दिन सल्यूट अवश्य करें। और वैसे भी अगर कभी ज़िंदगी में आपको आते जाते कभी ऐसे परिवार से सामना हो जाए जिनके फैमिली में कोई शहीद हुआ हो, चाहे किसी भी युद्ध में भारत के लिए शहीद हुआ हो, तो ऐसे वीर जाबाज के, वीर शहीद की फैमिली को आप अपना सल्यूट ज़रूर करिएगा। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हुए आप सबसे अब विदा लेती हूँ और आप सबको एक बार फिर से कारगिल दिवस की, विजय दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।